Hi guys, so we are back again with another live and थोड़ा सा हम लोगों ने बीच में ब्रेक लिया क्योंकि हम लोगों के घर में कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हम लोग को ब्रेक लेना पड़ा, जो कि हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वही है कि मूड फिर उससे वो वैसा हो जाता है. एंड विनय विल ऑल्सो ज्वाइन अस. विनय, हे गाइस, ही इज हैविंग चाय इन देसी स्टाइल. थोड़ा सा लेट हो गया है एडजस्टमेंट करने में। थोड़ा लगता है टच छूट गया लाइफ का. सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? पहले तो आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए ताकि हम लोग. और कैन यू चेक आवाज क्लियर है? What does it say? It is still waiting. Yeah, we are there. Started now. Yes. No, it is there. हेलो एवरीवन, हमारी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक हम लोगों ने किया है, 4 डेज का गैप लिया है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू, और हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे एंड विल जस्ट टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक. जय शंकर जी, वी आर ऑल्सो हैप्पी टू बी बैक. हैप्पी टू बी बैक. नीलम मल्होत्रा, हेलो. हेलो नीलम. हेलो. तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, अबाउट द इंटरनेट. जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, आप लोगों की क्या राय है कि इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? इज नॉट आर अवार हमारी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्या हो रहा है? थोड़ा और पास में रखते हैं. कैमरा थोड़ा पास ले आते हैं. क्या अभी हमारी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? एक्चुअली आज हम लोगों ने माइक नहीं यूज़ किया है, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. सो हम लोग दूसरा फ़ोन फ़ोन से आज कनेक्ट कर रहे हैं और इसलिए. आज एक्चुअली मेरा फ़ोन यूज़ किया जा रहा है और उसमें 3.5 mm जैक नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग अपना यूएसबी सॉरी 3.5 mm जैक वाला जो माइक है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. निशा इज ऑल्सो सेइंग वॉइस क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं है. और जो जयशंकर इज सेइंग साउंड इज क्लियर, तो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं. और हम लोगों ने शायद लैपटॉप एक बार चेक करना दोबारा से कि आई गुड टू सी यू बोथ अगेन. अगर फैन से डिस्टरबेंस हो रहा है तो फैन बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. एक बार इसको चेक करना कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं. आवाज़ बढ़ा के साउंड इज फाइन. कुछ लोग बोल रहे साउंड इज फाइन और कुछ लोग बोल रहे हैं कि निशा और नीलम बोल रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है. तो आप एक बार शायद फ़ोन भी कहीं हो सकता है वॉल्यूम उसमें वो हो सकता है कि कभी हो जाती है ना. सो हमें तो एक्चुअली आवाज़ मे क्लियर आ रही है. और बी आप अगर ईयरफोन यूज़ करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगी. हाँ, ईयरफोन से कुछ हो सकता है. नो इट्स नॉट फाइन. अरे हमें एक्चुअली आज थोड़े हाथ हमारे बंधे हुए हैं. मेरे फोन हमारे में 3.5 mm जैक नहीं है तो माइक लग नहीं पाएगा. ये वन प्लस कौन सा वन वन प्लस प्लस 7 Pro है इसमें. 1+7 Pro एयर बिफोर लॉकडाउन ही जस्ट लिया था और हम लोग वो जो चीज़ें इसकी जो और हमें लेनी होती है एसेसरीज वो नहीं ले पाए. नहीं तो हम लोग वो ले लेते माइक का कनेक्टर, बट अभी नहीं ले पाए तो वी हैव टू नो इट्स दिस. क्लियर. एक्चुअली अगर हम थोड़ा लाउड बात करेंगे तो शायद हो जाएगा. जियो. सो ओके, फाइन.
फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता ही, आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, आप लोगों की क्या राय है उसके बारे में, इंटरनेट के आपके हिसाब से आप लोगों की लाइफ में इंटरनेट ने क्या क्या चेंजेस लाए, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं और हम लोग तो बात करेंगे इसके बारे में। और, तो और आप पिछले 2-3 दिन में आप लोगों ने क्या क्या कुछ स्पेशल किया, अगर आपके जिंदगी में कुछ स्पेशल हो तो वो भी बता सकते हैं हम लोग। विद्या जी सेइंग हेलो साउंड इज फाइन, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। Now it's clear. Okay. Okay. Mummy is very high there. Okay. So आप लोग जैसे विनय ने पूछा कि आप लोग ने 3 दिन में क्या किया, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। Glam with Kiara. Hi. Hi Glam with Kiara. Dua. और आज हम लोग इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इंटरनेट के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। नीता करण सिंह, हाय नेहा, वेरी हैप्पी टू सी यू। हेलो मासी, नमस्ते। एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स भी, शी इज इन मुंबई, तो वो वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं काफ़ी लोग। तो फ्रेंड्स, हाँ, तो इंटरनेट, ये आप पहले एडवांटेज बोलो कि क्या क्या आपकी लाइफ में अच्छा करता है डे टू डे लाइफ में। तो पहली बात तो कि आज के वर्ल्ड ऐसा है कि अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते। दिस इज नो मोर अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ नाउ डेज। एटलीस्ट 3 या 4 साल पहले तक भी अगर हम बोलते हैं तो शायद ऐसा होता कि जो प्रिविलेज क्लास है या जो जो हम जैसे लोग हैं जो जो शहरों में रहते हैं, उन लोगों के लिए इंटरनेट ऐसा था कि थोड़ा सा नेसेसरी हो गया था। पर आफ्टर 2016 आई वुड से कि अभी इवन गांव-गांव में भी जो लोग हैं, सभी लोगों को इंटरनेट की आदत पड़ चुकी है। फोन के बिना तो मतलब लगता है हैंड क्रिपल्ड आप फील करते हो, ऐसा लगता है कि आपका हाथ नहीं है एक तरीके से, क्योंकि जो भी जानकारी चाहिए या किसी से भी दुनिया में बात करनी है, बी इट इन इंडिया और अब्रॉड, आप कहीं पे भी जस्ट एट मतलब हैंड्स अवे या फिंगर टिप्स अवे कोई भी आदमी रहता है, तो आप इतना कनेक्टेड फील करते हैं। जयशंकर का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट मेरी डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, इंटरनेट बिकम्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ। तो वो भी एक एडवांटेज आपके लिए होगा या डिसएडवांटेज, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं इंटरनेट का। तो ये हाँ, ये सही पॉइंट है कि आपके लिए बहुत एडवांटेज भी हो सकता है, जैसे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है, हम लोग इसको आप लोगों से कनेक्ट होने में के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम लोग और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। पर किसी के लिए डिसएडवांटेज तो वो डिपेंड ऑन पर्सन ऑल्सो के कैसे, बट इट अफेक्ट्स एक्चुअली लोगों की माइंड को, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है हर एक, कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि जो पावर होती है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे श्री श्री क्या बोलते हैं स्पाइडर मैन जी महाराज ने कहा था अपनी मूवीज में कि ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे वही, अगर इंटरनेट है और इंटरनेट इतना पावरफुल है तो इट इज़ सब्जेक्टिव, इट इज़ अप टू द पर्सन हाउ ही और शी वांट टू यूज़ इट। अगर आप उसको डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे तो उसका पोटेंशियल इमेंस है, आप उससे मतलब दुनिया को ऊपर नीचे कर सकते हैं इन अ गुड वे। एक काफी बड़ा जो है डिसएडवांटेज, मम्मी कुछ बोल रही है, सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है कि दूरियां कम हो गई हैं, एंड दैट इज फॉर श्योर। आज हम देखो, आज हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग कहाँ कहाँ दुनिया भर में हैं, और हम लोग आपसे आमने सामने बात कर पा रहे हैं, और जो भी हमारे मन में होता है हम बोल पाते हैं। Exactly. तो दूरियां तो फॉर श्योर कम हो गई है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो भी है, बहुत कुछ यू कैन लर्न लाइक इन्फिनिटी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इंटरनेट पे सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस फॉर श्योर, बट मेन जो मुझे लगता है जो डिसएडवांटेज है इंटरनेट, तो आप पहले एडवांटेज के बारे में बात करना चाहते हैं कि डिसएडवांटेज के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि या तो फिर हम पहले 5 पॉजिटिव बातें करते हैं एंड देन वील जम्प ऑन टू द नेगेटिव्स ऑफ इट एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। हाँ। शुरुआत थोड़े पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है या क्या कर क्या चाहते हैं। इन द मीन टाइम, और गाइस आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग लाइक भी कर दीजिए, आई कैन सी ओनली 2 लाइक्स देयर, व्हाट इज दिस,
आज तो आज किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, जो एक बात मम्मी ने कही है कि जैसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो मेन एडवांटेज मुझे लगता है इंटरनेट का वो है कि हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कितनी भी ले सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इंटरनेट से कि मतलब ये बोलेंगे ना एक बहुत अच्छी एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है आप लोग हम लोगों के लिए, और इससे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। जब स्कूल के समय इंटरनेट इतना होता नहीं था, आपको प्रोजेक्ट्स करने होते थे या आपको कोई भी कुछ भी रिसर्च का काम देते थे, बोलते हो कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, तो हमारे पास क्या होता था, विकिपीडिया ऐसा होता था कि वो किताबों को हम छानते थे और ढूंढते थे कि क्या काफी टाइम उसमें चला जाता था। वो अप टू डेट भी नहीं होती थी इन्फॉर्मेशन, अगर वो किताब पिछले साल छपी और इस साल में, तो एक साल में तो मतलब बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर सेकंड हर पल अपडेट होती रहती है। तो इन दैट सेंस आप आज अगर देखो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करनी है तो आप कर सकते हो। अच्छी चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बुरी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो एक डायलॉग है ना नासिरुद्दीन शाह का वेंसडे मूवी में कि अगर आपको बॉम्ब भी बनाना है तो इंटरनेट पर जाके सर्च मारो और 365 वेबसाइट खुल जाएगी कि आप बॉम्ब कैसे बना सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगेन जैसे मैंने बोला था, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको रिस्पॉन्सिबली ये नॉलेज यूज़ करनी है। तो आपको बॉम्ब नहीं बनाना है, अगर आपसे हो सके तो कोरोना का एंटीवायरस बना दो। मुझे लगता है काफी पीछे चल रहा है ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, तो जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि आपको रिस्पॉन्सिबली इस जो पावर है उसको यूज करना है। वो जैसे कि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप लोग आपने बताया कि पहले जस्ट हमारे पास बुक्स होती थी और वो भी पता नहीं अप टू डेट नहीं होती थी और ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अभी हम लोगों को कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन है एकदम अप टू डेट मिल जाती है इंटरनेट पर। अगर हम लोग सर्च करें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अवेलेबल है एंड फ्रीली अवेलेबल है कुछ उसके लिए आपको पे आपको खाली ग्रिट आपके पास ग्रिट और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए लर्न करने के लिए। यू कैन लर्न एनीथिंग टुडे ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, इवन इनफैक्ट ऑन यूट्यूब जिसके थ्रू हम लोग आपसे बात करें, जितनी भी आपको जानकारी चाहिए मोस्टली आपको सब यहाँ मिल जाएगी। YouTube पे सब कुछ मिल जाता है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है और गूगल ने ओन किया हुआ है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप गूगल सर्च पे जाके सर्च करते हैं तो उस पर भी आपको YouTube के वीडियोस का लिंक दे देते हैं कि ये यहाँ पे आप जाके सीख सकते हो या जान सकते हो। तो इन दैट सेंस आई होप हम लोगों की आवाज ठीक हो अभी। एक मुझे काफ़ी बड़ा एडवांटेज इंटरनेट का लगता है कि जैसे कि हम लोग ये बिल्स वगैरह है, बैंकिंग है, जो हम लोगों के लिए इतनी आसान हो गई है फ़ोन से, हम लोग हर चीज़ नहीं तो लाइनों में लगो, बैंक की लाइनों में लगो और इलेक्ट्रिसिटी भरने के लिए लाइनों में लगो, तो वो चीज़ मुझे लगता है काफ़ी आसान हो गई है कि हम लोग वो नहीं करना पड़ता, हम लोग फ़ोन से ही बस ऐप से इलेक्ट्रिसिटी बिल भर गया, बैंकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये चीज़ हमें काफ़ी आसानी पड़ी है कि काफ़ी टाइम इससे सेव हो जाता है। हाँ तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ पहले तो हम लोग को हर चीज़ के लाइनों में लगना पड़ता था जाके, और आजकल तो सब कुछ ही आप इंटरनेट पे कर सकते हो। भले ही वो शॉपिंग ही क्यों ना हो या बिल्स भरने से क्यों ना हो या बैंकिंग क्यों ना हो, इंटरनेट बैंकिंग से लेके हर चीज़ और 24/7 आपके पास अवेलेबल है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको जो पावर देने वाली जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी होती है इंटरनेट ही है। जो कोई भी ये जितनी भी सर्विसेज आज बनी है वो सब इंटरनेट के ऊपर ही फ्लरिश कर रही है, उनको इंटरनेट चाहिए अगर उनको बने रहना है आगे भी, तो दैट इज़ फॉर श्योर। इट सेम गोज फॉर द इंटरनेट, देर आर सो मैनी थिंग्स विद फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ विच इंफॉर्मेशन इज ट्रू और विच इज फॉल्स और सम रूमर्स गो बैंकिंग। हाँ तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट साइट्स हैं वो सब हमें मतलब हम लोगों को जब सर्च करते हुए भी ये सोचना चाहिए जैसे कि कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आई गेस हम लोग ने ये वाला वैसे भी टॉपिक रखा है इन द नेगेटिव्स, तो हम लोग उस समय इसको ज़्यादा एलैबोरेट कर पाएंगे। तब हम लोग डेफिनेटली ये वाले जो कमेंट आए इसको आगे एलैबोरेट करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। तो
आप जैसे सेल कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें नेट पे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब से काफ़ी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो इंटरनेट से एक तरीके की कमाने का माध्यम भी समझ लीजिए कि बहुत लोग इससे पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरीके से पैसे कमाने का एक नया जरिया मिला इंटरनेट से। बेसिकली देखा जाए अगर तो इंटरनेट में पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो इतनी ज़्यादा है, आपके पास सिर्फ इनोवेटिव दिमाग होना चाहिए आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना आपके पास इनोवेशन होगी उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं उसे। कोई भी सेल्स सर्विस से लेके, कोई भी प्रोडक्ट से लेके कुछ भी आप बेच सकते हैं। अगर आपको फेमस होना है तो आप फेमस भी हो सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ आपको आजकल मिल जाता है। और सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ आप जैसे हम लोग अपने बेडरूम में बैठे हुए और आपके पास अगर एक कैमरा भी नहीं है और आपके पास एक स्मार्टफोन है तो बहुत है। और आप अपने आप को दुनिया के सामने अपने एक्सपर्टीज को जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब का ही टैगलाइन है ना, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, दैट मीन्स आप अपने विचारों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं दुनिया भर में। तो उस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी लोगों को, जैसे टिकटॉक पे आपने देखा कि कितने लोग पैसा कमा रहे हैं और यूट्यूब पे कितने लोग कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो कोई सरकारी नौकरी या अगर आईटी कंपनी में जाते तो शायद उन्हें जॉब नहीं मिलता, बट इससे वो काफ़ी लोग एक तरीके से मैं कहती हूँ कि पैसे कमा सकते हैं, मतलब कमा रहे हैं। और एक एंट्री बैरियर भी है ना, बहुत कम है, तो एक वो मेजर एडवांटेज है। अगर आपको एक आईटी फर्म में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर बीएससी या बीसीए इस टाइप का कुछ तो एक बैचलर्स तो होना चाहिए। मास्टर्स होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इन दिस केस अगर आप एक गांव में भी रहते हैं, अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, अगर थोड़ा भी आप फनी है, कुछ भी, अगर आपका कोई भी पैशन है, आप इवन अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में वो अलाउ नहीं करता। अगर मुझे पैशन अगर कुकिंग का, लेकिन खाना मैं रेस्टोरेंट में जाके बनाऊंगा कितना पैसा मिलेगा, या तो फिर मैं कुछ होटल मैनेजमेंट करके आऊं, मेरे पास डिग्री हो, क्योंकि आजकल वहां आप ट्रेडिशनल जॉब लेने जाते तो एक एंट्री बैरियर होता है कि आपके पास या तो एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, आप एक फ्रेशर हो। तो दूसरी चीज़ क्या देखते हैं वो लोग, वो देखते हैं कि आपके पास कोई डिग्री है उसके रिलेटेड, अगर वो भी नहीं है तो आप कैसे वहां जाओगे। लेकिन इंटरनेट आपको ये बोलता है कि आप घर से कुकिंग शुरू कर दो, 100, 200, 300 वीडियो डालोगे, अपने आप आपके पास एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर उस पोर्टफोलियो को लेके आप किसी भी होटल में जाओगे, बोलोगे कि देखो मेरे को कुकिंग आती है, मेरे पास इतना इतना वर्क एक्सपीरियंस है, इतने जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको एक ऑब्वियसली एक एडवांटेज मिल जाएगा और आपको शायद जॉब भी मिल जाए। दूसरी चीज़ है कि शायद आपको जॉब की जरूरत ही ना पड़े, आप इतने यहीं पे बड़े हो जाओगे कि खुद ही ब्रांड आपके पास आएंगे, यू बिकम अ ब्रांड ऑफ योरसेल्फ, तो आप कुछ बेच सकते हो, अपनी सर्विस दे सकते हो एंड ऑल दैट। सो यस, पैसा कमाना आसान हो गया। और वर्क फ्रॉम होम जैसे अभी काफी हम लोग बोर तो नहीं कर रहे, क्योंकि कोई एक कमेंट भी नहीं आ रहा है, या तो चल नहीं रहा तो कुछ और दिक्कत है। फ्रेंड्स कुछ वो तो नहीं हो रहा कि मतलब आवाज क्लियर है या कुछ अटकना है, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। सो हम लोग ही मुझे लग रहा है बात कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ अपनी राय दीजिए इसके बारे में। जयशंकर ने जैसे बहुत अच्छे पॉइंट बोले, मम्मी ने भी काफ़ी अच्छा बोला है कि कनेक्टिविटी है, जैसे कनेक्टिविटी तो बहुत ही वो है कि कनेक्टिविटी से हम लोग समझ लीजिए कि एक डॉक्टर अगर न्यूयॉर्क में बैठा तो एक हैदराबाद या बैंगलोर में पेशेंट का हेल्प कर सकता है। तो और न्यूयॉर्क और हैदराबाद की वजह, इवन बैंगलोर का डॉक्टर और एक रूरल गाँव में जहाँ पे वो फिजिकली जा नहीं सकता, वो वहाँ पे भी अपने सर्विसेज दे सकता है, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी कंसल्टेशन दे सकता है, कर सकते हैं ना वहाँ पे होते हुए भी। तो कनेक्टिविटी तो मतलब पूरे वर्ल्ड ही भी तो मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इंटरनेट इज काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि हमारे टाइम की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, मैं बोलूँगी कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है ये, और इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इकोनॉमी का तो लाइफ लाइन है एक तरीके से, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमी जितनी भी चल रही है, पता नहीं अभी इवन लाइव और नॉट, गाइस लाइव हट तो नहीं गया, पता नहीं, ये तो एटलीस्ट कन्फर्म कर दो। हाँ ओके, तो जैसे कि मैंने बोला इकोनॉमी की तो लाइफलाइन है। आज आप शेयर मार्केट में जाते हो, शेयर मार्केट भी आप घर पे बैठे हैं, पहले फ़ोन पे करते थे, आप ब्रोकर को फ़ोन करते हो, ब्रोकर आपके ऑन योर बिहाफ को जाके कुछ शेयर्स खरीदता, आप आज खुद ही कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट
talking about positive things about internet, I think people haven't got a notification that today's you guys are gonna come back from this date on. हम लोगों ने एक्चुअली पोस्ट तो डाले पर मैंने देखा है कि काफी लोग पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट देखते नहीं, हम लोग काफी चीजें कम्युनिटी उसमें डालते रहते हैं बट आई थिंक इतना लोग उसको देखते नहीं है, नोटिफिकेशन इतना इतना एंगेजमेंट भी नहीं आता है, ऐसा कोई लाइक भी नहीं करता है, कोई कमेंट भी नहीं करता है। ऑल्दो क्योंकि ये एक फीचर है जो YouTube ने दिया हुआ है तो हम सोचते हैं कि इसको यूज करना चाहिए, हम लोग उसमें पोस्ट करते रहते हैं खुद कोड्स आल्सो। वो मुझे क्योंकि कोड्स काफ़ी मुझे एनकरेज करते हैं वो, उस सेट की भी मैं डालती रहती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग चेकआउट किया करो कम्युनिटी टैब, मैंने उसमें डाला था कि हम लोग 17 को आ जाएंगे, हमने हाँ उस दिन डाला था कि हम 17th को आएंगे और आज भी एक घंटे पहले डाला था विद टॉपिक कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, तो प्रॉब्ली एक तरीके से एक और एडवांटेज में बोलूँगी, जैसे डोनेशंस और फंडिंग है वो भी काफ़ी आसान हो गई है इंटरनेट की वजह से। जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस जब चल रहा था तो हम लोगों ने पीएम केयर में हम सभी लोगों ने मुझे लगता है कि डोनेट किया है और वो उससे काफ़ी हेल्प भी हुई है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। हाँ, तो ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में कोई भी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी स्टेट में आपको डोनेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन सब केसेस में। अगर कोई कहीं अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि अपने लव्ड वंस से जाके कांटेक्ट कर लो कि वो लोग सेफ हैं कि नहीं है। तो पैसे से ज़्यादा बोलूँगा पीस ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन दीज केसेज वेयर आपके लव्ड वंस आर रिलेटेड या आर कंसर्न। तो इस वजह से अगर आप देखो तो इंटरनेट के थ्रू आप तुरंत कर पाते हो। आजकल जो वॉइप सॉरी व्हाट इज इट कॉल्ड वोल्टी राइट, जो जियो का जो नेटवर्क है वो वोल्टी पे रन करता है, वो वॉइस ओवर LTE, LTE इज 4G नेटवर्क एंड वॉइस ओवर LTE मतलब हमारी जो वॉइस है एक्चुअली LTE नेटवर्क पे यानी कि 4G नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट होती है। तो इस वजह से तो पूरा जो जियो है वही वो इंटरनेट पे ही बना हुआ है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो बातचीत हो रही है वो पूरी इंटरनेट के ऊपर ही हो रही है, ऑल्दो आप ट्रेडिशनल फोन कॉल ही क्यों ना लगा रहे हो क्योंकि आप वोल्टी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस तरीके से बोला जाए तो हाँ डोनेशन के लिए जैसे ऑब्वियसली बोला कि क्राउड फंडिंग हो गई, जैसे कि कोई अगर मेरे पास कोई $1 million आइडिया है तो मैं क्राउड फंडिंग की बहुत सारे इंडीगोगो टाइप की बहुत सारे वेबसाइट्स या वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके मैं अपना आइडिया पिच कर सकता हूँ और वहाँ पे क्राउड फंडिंग कर सकता हूँ। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि लोग अपने अपने शेयर्स मतलब खरीदते हैं एक तरीके से, आपको अर्ली फंडिंग देते हैं इन रिटर्न, या तो आप उनको कुछ प्रोडक्ट देते हो जो भी प्रोडक्ट जिसका आपने सपना उनको दिखाया होता है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ। तो क्राउड फंडिंग आसान हो गई, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ईजी हो गया है कि पहले तो उनको VPs के पास जाना पड़ता था और जब तक कि VCs मतलब कहीं आपको ऑफिसेज में जाना पड़ेगा कहाँ कहाँ आपको मतलब फंडिंग के लिए, आप पता ही कि पहले तो बहुत मुश्किल हो रहा था, आइडियाज होते थे बट फंडिंग मिलती नहीं, तो अपॉइंटमेंट लो ये सब लो। हाँ अभी तो इंटरनेट पे ही जैसे अब वो बताया कि वहाँ पे साइट्स पे आप जा सकते हैं जो फंडिंग की साइट्स हैं, आप वहाँ पे अपने आइडियाज पिच इन कर सकते हैं और अगर उनको अच्छा लगे तो लोग फंडिंग करते हैं उस आइडिया को, वो काफ़ी अच्छा डोनेशन है, एक अच्छा चीज़ है कि डोनेट कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन जैसे कि हम लोगों ने अभी किया ही है। और एक सबसे बड़ा जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं आजकल बताओ, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा इंटरनेट से एकदम बहुत चेंज आए एंटरटेनमेंट मीडिया में, काइंड ऑफ जैसे बॉलीवुड ही था पहले, तो थोड़ा डेमोक्रेटाइज नहीं हो गया पहले से, क्योंकि पहले तो आप देखो तो खन्ना मेहरा तो मेहरा कपूर तो कपूर, बस उतने ही लोग होते थे जो बॉलीवुड में छाए हुए थे, उसके अलावा किसी को ना बॉलीवुड में एंट्री मिलती थी ना कुछ। अभी तो जो बड़े बड़े यूट्यूब स्टार्स हैं टिकटॉक स्टार्स हैं ये लोग ऑलमोस्ट टक्कर दे रहे हैं उन लोगों को उनके स्टार्डम को, क्योंकि इन लोगों का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा डीप है विद देयर कम्युनिटी। जैसे हम लोग आप लोगों के साथ लाइव कर पा रहे हैं बट आप किसी बॉलीवुड स्टार से तो लाइव नहीं कर सकते, तो हम लोगों का आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्शन होगा ना कि आप लोग उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो होता है कि एक जो काफी एंटरटेनमेंट में काफी चेंज आया है और थोड़ा वही मैंने जैसे बोला है चेंज आया और डेमोक्रेटाइज हो गया है, तो व्हिच इज अ ऑलवेज व्हिच इज अ गुड थिंग ऑल द टाइम। तो उससे वही है कि फिर हमें
चाहे एक इंसान हो कैसी भी मूवीज बना रहा है, हमें वो देखने की जरूरत नहीं। हम वेब सीरीज इतनी सारी है कि हम लोग कहीं पे भी कुछ भी और जो हमारे लाइफ को मतलब माइंड को अच्छा लगता है हम लोग वो देख सकते हैं। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था, अगर मेरे को कोई मूवी देखनी है या तो मैं थिएटर में जाता हूँ या तो मैं टीवी पे देखता हूँ। थिएटर का काफी महंगा पड़ जाता है और टीवी पे क्या होता है इतने सारे भर भर के एड्स आते हैं जो मेरे को देखने भी नहीं है लेकिन मेरे को देखने पड़ेंगे अगर मेरे को उसको मूवी को एंजॉय करना है या देखना है तो। लेकिन आज नेटफ्लिक्स आ गया है, हॉटस्टार आ गया, वो बोलते हैं आप थोड़ा सा प्रीमियम पैसा दो हमको मंथली मंथ ऑन मंथ एंड देन आप जितनी मूवी जाओ उतना देखो, बिंज वॉच करना है बिंज वॉच करो। आप जो सीरीज होते हैं वो 10 अगर एपिसोड है चाहो तो आप एक बार ही में देख लो या टुकड़े टुकड़े देखो। आप ट्रेडिशनली टीवी देखोगे तो आपको अगले हफ्ते तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, साथ के साथ आपको वो एड्स भी देखने पड़ेंगे जो 3-4 वो एड ब्रेक्स लेते हैं, तो वो कुछ भी नहीं रहता अगर इंटरनेट है और आपके पास नेटफ्लिक्स है या हॉटस्टार या सो मेनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। हाँ इतने सारे हैं। वेयर इज द लिटिल किडो, अंकुर खन्ना किडो तो नीचे है और अगर आप अगर किडो ऊपर आया तो कुछ भी बात नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं बचेगा फिर, सब तहस नहस हो जाएगा कि वो अभी 2 साल का है तो आप सोच ही सकते हैं कि वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है और वो बस फिर वो लाइट कैमरा फ़ोन सबको वो सबके खिलौना ही समझता है एक तरीके से, तो सबके साथ फेंक फेंक के टेस्ट करता है हर चीज़ को, तोड़ फोड़ के उसको संतुष्टि मिलती है। मेरा फोन तो जयशंकर सिंह की सेलिब्रिटी कल्चर शुड बी बैंड इन इंडिया टोटली सेकेंड क्योंकि मेरा भी वही मानना है कि जो हम लोग स्टारडम जो इतना दे दिया उन लोगों को और सेलिब्रिटीज बना दिया है करोड़ों अरबों रुपए लेके बैठे हुए वो लोग, और वो काफी मतलब कुछ लोग है ना फिर वो माइंड को भी आपके अगर जैसे अंधभक्ति होती है ना काफी यहाँ पे स्टार्स हैं जैसे कि यहाँ पे साउथ में हमने बहुत देखा है कि बहुत ज्यादा स्टार्स की अंधभक्ति होती है तो वो काफी माइंड को भी अफेक्ट करता है, तो वो सेलिब्रिटी कल्चर तो वो ठीक नहीं है वो एक तरीके से है ना। और एडवर्टाइजमेंट की बात आई, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केट क्यों बढ़ रहा है क्योंकि ब्रांड्स देख रहे हैं कि जो एक इन्फ्लुएंसर है जो सोशल मीडिया पे बैठ के अपने जनता के साथ बात कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं उसका एंगेजमेंट अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा डीप है, ज़्यादा इंगेजिंग है। अगर मैं आपको कोई चीज़ आज बताता हूँ या सजेस्ट करता हूँ उसका मतलब है कि शायद मैंने उसको अच्छे से रिव्यू किया है और मेरे को पसंद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वही अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लॉन्ग लास्टिंग वो होता है ना कि हम लोग तो सालों से अभी रिलेशन चलता है उनका तो नहीं होता है उनका तो क्या होता है उनको स्क्रिप्ट मिलती है आते हैं आधा घंटा मिलता है वो लोग जाके पढ़ के जल्दी से कुछ बोल के साबुन के ऐड करके निकल जाते हैं। हाँ लेकिन उन्हें भले ही वो लाइफ में कभी यूज नहीं करेंगे, वो मंगाएंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड चीजें जो वहाँ से जो लग्जरी है वही पेरिस मिलान से आएंगी वो आएंगी लेकिन कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन जनता को बोलेंगे कि बहुत बड़ा अच्छा ये ले लो तो उसे क्या पता चलता है, यूज किया आप लोगों को बता देंगे कि हाँ ये यूज कर लो। I guess we are digressing from the core topic here. Internet. Yeah. और celebrity culture. नहीं पर again वो celebrity culture थोड़ा बहुत कम हो सकता है because of internet. हाँ वो तो हो ही गया है already. Entertainment की हम लोगों ने बात की, अब internet of things के बारे में आप लोग आपका क्या कहना है कि कैसे change कर रहा है हमारा, मतलब जैसे internet of things पूरे घर को एक साथ connect कर देता है IoT. उसके बारे में आपको मुझे लगता है काफी IoT तो मतलब एक ऐसी चीज है जो अप एंड कमिंग है और यहाँ से तो बढ़ती ही चली जाएगी ऑब्वियसली। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता ना हो तो मैं बता दूँ IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जो भी आपके घर में चीजें हैं सब कुछ आप इंटरनेट से जोड़ दोगे फाइनली और बस बैठे बैठे बोलो कि टीवी ऑन करो टीवी ऑन हो जाएगा। जैसे कि एलेक्सा है, एलेक्सा एक माध्यम बन सकता है एक मीडियम बन सकता है जिसके थ्रू आप अपने पूरे घर को ऑटोमेट कर दो और चीजें चलाओ और कहीं पे भी बैठ के ये जरूरी घर पे भी ना भी रहो कनेक्ट सिंस वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आप घर में देख सकते हो कि क्या हो रहा है। आपने अगर वाईफाई इनेबल्ड अपना CCTV लगा रखा है तो आप कहीं से भी बैठ के देख सकते हो, वो भी एक पार्ट ऑफ IoT है। आप डोर बेल्स लगाते हो स्मार्ट बेल्स लगाते हो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी सिस्टम बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, लाइटिंग सॉल्यूशंस बहुत सारे आ रहे हैं, बल्ब ऑन करते हो ऑफ करते हो टाइम लगा सकते हो, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो इसलिए क्योंकि हम लोग इंटरनेट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे उसकी बात करें कि कितना आसान हो गया ये सब चीजें करना, मतलब एक ड्रीम हुआ करता होगा शायद किसी जमाने में बोलो कि अच्छा लाइट ऑन हो जाए तो मतलब एलेक्सा लाल रंग चला दो, तो आजकल तो शायद एलेक्सा हिंदी में भी ट्रांसलेट करता है या बोल सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो
नहीं तो पहले इंग्लिश ही था, वो भी इंडियन नेटिव इंग्लिश एक्सेंट को भी वो पकड़ लेते हैं, और हिंदी में भी बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि मेरे को मूड लाइटिंग चाहिए, मेरे को लाल रंग चाहिए, आज हरा रंग चाहिए, तो वो भी कर दे, टीवी ऑन कर दो या वॉशिंग मशीन ऑन कर दो। तो उसके लिए स्मार्ट प्लग्स आते हैं, आपने स्मार्ट प्लग को टीवी आपका, ऑल दो जो आपका खुद का वॉशिंग मशीन वो स्मार्ट नहीं है, लेकिन आपने उसको स्मार्ट प्लग में लगा दिया है, तो वो स्मार्ट प्लग को आप ऑटोमेट कर सकते हो कि आप अपने फ़ोन से या वॉइस कंट्रोल से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। आजकल तो नेटिवली स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आने लग गए हैं, जिसमें कि खाना ठंडा हो रहा है कि कितना हुआ है, कितना कम रह गया है, वो सब आप कर सकते हो। कि ग्रॉसरीज अगर वो खुद ही वो ऑन कर देता है कि फ्रूट्स ख़त्म हो रहे हैं, या फिर ये बता देता है कि सब्जियां गेट द वेजिटेबल्स और के ख़त्म हो रहे हैं, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो बहुत ही, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद ब्लॉकचेन, अगर आप देखो ब्लॉकचेन एक पूरी टेक्नोलॉजी जो अगेन इंटरनेट पे ही बसती है, पूरी पूरी की पूरी इंटरनेट पे ही है, उसको आप ऑफलाइन नहीं रख सकते हो। तो अगर ब्लॉकचेन को IoT के साथ जोड़ दो तो आगे चल के ऐसा होगा कि ब्लॉक वो जो इंटरनेट क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने कुछ कॉइन्स रख दिए हैं, कुछ करेंसी ऐसी रख दी है जो जो कि फिजिकल करेंसी नहीं है, वर्चुअल करेंसी है, और उसके थ्रू आपका फ्रिज जो है वो अपने आप ही ऑर्डर कर देगा चीज़ें अमेजोन पे या जहाँ पे भी वो कर सकता है ग्रॉसरी खरीदने के लिए, और आपके घर में अपने आप ग्रॉसरी ले जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है IoT की वजह से। देखिए अगर वो लोग एंडोर्स कर रहे हैं और अगर वो खराब चीज को एंडोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गलत है। क्योंकि गलत चीज नहीं थे, सेलिब्रिटी कल्चर के अगेंस्ट में किस लिए मैंने जैसे बोला, अगर वो शाहरुख खान बोलता है कि लक्स का साबुन यूज करो आप, लेकिन उसने खुद कभी वो यूज नहीं किया और बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत सुगंधित है और ये सब बातें एरोमेटिक है एंड ऑल दैट, पर उसने खुद कभी यूज नहीं किया, तो फिर आई थिंक वो चीट कर रहा है हमको। जो एंड कंज्यूमर है जो शाहरुख खान की फेस वैल्यू पे खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब सेलिब्रिटी कल्चर इन द सेंस कि बहुत ज्यादा लोग अंध भक्ति जो होती है ना वो किसी भी चीज के ठीक नहीं होती, क्योंकि हर इंसान गलत सही। जैसे कि मैं सुनता हूँ कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत के सामने लोग मन्नत मांगते हैं कि हमको शाहरुख खान दिख जाए एक बार, एकदम से ब्लाइंड अपना मतलब हमेशा दिमाग में। अमिताभ बच्चन के घर के सामने जलसा है ना, क्या जलसा ही है शायद, कि झलक मिल जाए अमिताभ बच्चन जी की, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे कि वो अपना काम कर रहे हैं और वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, उनको इतना मत चढ़ा दो। हाँ अमिताभ बच्चन एज पर्सन ही इज अ वेरी गुड गाय, ही इज अ वेरी शाहरुख खान आल्सो मस्ट, हाँ, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं और उस काम की वजह से जो सेलिब्रिटी कल्चर बन गया है वो थोड़ा, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उनके बहुत बड़े फैन है तो वेल एंड गुड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होना चाहिए चीजों को। क्योंकि अगर आप जैसे हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड व्लॉग में सॉरी सेशन में हमने बात करी थी कि कनाडा का जो वो जस्टिन ट्रूडो है PM है ना वहाँ का, हाँ, तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या करता है, वो साइकिल से जाता है ऑफिस, और कोई भी घूम रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि आगे सेल्फियां खिंचवा रहे हैं ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, या और उसने खुद को अपने आप को ऐसा बना डाउन टू अर्थ बना के रखा हुआ है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ही इज ऑल्सो अ वर्ल्ड लीडर, बट अगर वो सड़क पे चल सकता नॉर्मली, यहाँ तो हमारे यहाँ अगर कोई पंचायत के चुनाव जीत जाए तो अकेले नहीं चलेगा, फिर वो उसको फिर 5 बॉडीगार्ड चाहिए साथ में, ऐसे नहीं कि उसको जान को खतरा है क्या, वो अथॉरिटी दिखाने के लिए मैं सरपंच हूँ यहाँ का। वो तो है, कुछ बोला है क्या? जैस नीलम आंटी से ही था, मैंने बोला इट्स रियली गुड कि ज्यादा डिपेंड होना भी ठीक नहीं है। प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर इज न्यू इनोवेशन, व्हाई आर इवन फॉलोइंग सेलिब्रिटी, व्हाई दे डोंट इवन डू कम्युनिटी वर्क, पीपल should have learned something from Bhagat Singh to bring nation together. Exactly. सही बोला। अगेन ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, आप या तो उसको मान सकते हो या आप उसको नहीं मान सकते हो या आप न्यूट्रल रह सकते हो, ये कुछ सही है गलत नहीं होता, ये मेरा ओपिनियन है और मैं कोई अपना ओपिनियन इन्फोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप अपना बता सकते हैं जो भी आप यहाँ सुन रहे हैं। हमें लगता है कि अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, एकदम अंधभक्ति किसी की भी करनी नहीं चाहिए, बस इतना है।
आप क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज के बारे में क्या सोचते हो? बहुत ज्यादा टेक्निकल होते जा रही है, पता नहीं हमारे जो जो, जो देखने वाले वो इतना टेक्निकल है कि नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था। आई नो, मैं बोल सकता हूँ, मैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी एंड ब्लॉकचेन के बारे में घंटों घंटों बात कर सकता हूँ। ये मुझे भी ने बताते रहते हैं कि इसके कितने एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। कहीं पे भी बंदा बैठ के जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो रहा है या क्लाउड स्टोरेज, हम लोग कहीं कितनी चीजें क्लाउड पे सेव कर सकते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा चीज है जो इंटरनेट ने हमें दिया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो तो कम्प्लीटली आईओ की वजह से, इनपुट एंड आउटपुट। और आईओ जितना फास्ट होता जाएगा उतना ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग आगे आता जाएगा। आईओ इज इनपुट एंड आउटपुट। तो आप यहाँ से बैठ के अपने फ़ोन से कुछ एक बटन दबाते हो, वो क्लाउड में जाके सेव होता है। क्लाउड मतलब कहीं एक बड़े बड़े सर्वर बना के रखे होंगे, वहाँ पे जाके आपका डेटा सेव हो जाता है। आपका आपके डिवाइस पे वो डेटा सेव नहीं होता, या जो प्रोसेसिंग है वो भी वो कहीं और प्रोसेसिंग हो रही है क्लाउड के ऊपर, आपके फोन में प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। इसीलिए आप देख पाओ, सुपर कंप्यूटर इज अ डिफरेंट थिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब थोड़ा अलग है, जिसमें कि सर्वर्स हैं, लेकिन सर्वर्स आपको फिजिकली जरूरत नहीं कि मेरे पास अभी हो, वो कहीं और बैठे हो सकते हैं। और वो जितना आपके फिजिकली लोकेशन के पास में होंगे, उतना आपको क्या बोलते हैं लेटेंसी कम मिलेगी। मतलब मैंने यहाँ से ट्रिगर किया कोई इवेंट और वापस जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो लेटेंसी उसको बोलते हैं, वो लेटेंसी कम हो जाएगी अगर वो फिजिकली सर्वर मेरे घर के पास में होगा। तो साउथ इंडिया के लिए मान लो कि उन्होंने अजोर ने या AWS ने बैंगलोर में सेटअप करके रखे हुए अपने सर्वर, और नॉर्थ इंडिया के लिए कहो नोएडा में या कहीं कहीं कर रखे होंगे। तो इस तरीके से होता है। तो आप अगर देखोगे पुराने ज़माने में क्या होता था, जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे ना, और वो आपकी मशीन में ही इंस्टॉल होते थे, प्रोसेसिंग भी मशीन पे ही होती थी आपके लैपटॉप में या उसमें। लेकिन अभी क्या होता है, वो जो प्रोसेसिंग है वो कहीं और होती है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करते हो इंटरनेट के थ्रू, वो जाके उस सर्वर में प्रोसेसिंग होती है और रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। या आप जो भी स्टोरेज करते हो, फोटो स्टोरेज का भी मुझे काफी लगता है कि क्लाउड से जो हमें स्टोरेज मिल जाता है, जैसे मेरा आईफोन है तो उसमें काफी मुझे क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है, और फिर मैं उस चीज को कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ, कहीं भी किसी लैपटॉप से अपनी आईडी से वो जो स्टोरेज है उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो वो काफी है कि मैं स्टोरेज जो मेरे फोटोज है वगैरह में कहीं से भी, तो क्लाउड स्टोरेज का मुझे काफी हम लोग यूज करते रहते हैं, और काफी एडवांटेज भी है कि कहीं से भी वो चीज एक्सेस हो सकती, और सिर्फ मुझे अपनी एक आईडी, वो सेफ भी एक तरीके से कि मेरी आईडी से सेफ होता है। तो वो ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव तो काफी बातें कर चुके हैं। और कुछ दो कमेंट आए हैं, साई सेइंग हाय, सुरेंद्र आंटी सेइंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, बट लॉकडाउन में सभी तरह से पॉजिटिव था। जयशंकर, यू कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। फ्रांसिस मूवी इज ऑसम ऑफ जॉनी डेप। हम लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन अगर आई गेस वो देखिए, वो एक्चुअली इंटरनेट में चला जाता है, वो मरने वाला होता है, शायद वही होगी अगर जयशंकर बोल सके। देखो वेगली आई रिमेम्बर दिस मूवी। अच्छा, नेट हमें लेजी ना बना दे, इसके लिए चीज नेट से चलाना या टिप्स पे रखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। व्हेन आर वी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, एनी न्यू अपडेट्स? अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं है। मैं एक फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ, जहाँ पे हम जैसे लोग जो अटक गए हैं उन लोगों ने बनाया, करीब करीब 500 से भी ज्यादा लोग होंगे उसमें, तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं जैसे भी है, और हम लोग न्यूज भी देखते रहते हैं। तो उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि जो वर्किंग वीजा पे हैं, जैसे PR और सिटीजन तो जा सकते हैं, पर वर्किंग वीजा के लोगों के लिए अभी तक भी कोई अपडेट नहीं है। स्टूडेंट्स का भी, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लोग जुलाई में इन्वाइट कर रहे बुला रहे, बट अभी तक वर्किंग वीजा वालों का तो कोई अपडेट नहीं है। सो विल कीप यू पोस्टेड, बट अभी तक अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है वर्थ शेयरिंग, तो एटलीस्ट वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे तो शेयर कर ही देंगे, और वीडियो भी बना देंगे अगर वो कुछ मेजर अपडेट होगी तो। जयशंकर सिंह विनय सीन, वही मेरे को व्हेन यू सेड तब मेरे को बाद में स्ट्राइक हुआ कि आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी, उसमें वो बाद में नेगेटिव हो जाता है इनफैक्ट। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो देख के सब वो कर रहे रिजेक्ट, तो आपकी हो सकता है कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना। हाँ, प्लेन तो नहीं चल रहे, कुछ दिल्ली से फ्लाइट्स चली है मुझे लगता है, बट वैसे क्या हो गया, हटा क्या क्या वो अटका हुआ है, तो वो वाला तो शायद चल रहा है, लेकिन
आई थिंक स्टार्टेड है. नहीं 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 तो पुराने वाला है गाइस. ये स्टार्ट हो गया क्या पता नहीं, अभी तो समझ नहीं आ रहा एकदम. साई सेइंग अबाउट योर गुड हेयर लाइक व्हाई दे आर शाइनिंग सो मच टुडे. अरे यार अगेन इट्स लाइक दैट. मे बी देयर इज एन इशू विद दिस. नो दिस हेयर आल्सो शो आर आल्सो. थोड़ा सा लाइफ में यही होता है टेक्निकल इश्यूज कभी. बिग डिसएडवांटेज कनेक्टिविटी स्टॉप. काफी एक्चुअली नया इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवाया है हमने, उसके बाद भी आज इश्यूज आ रहे हैं. आई गेस चल रहा है अभी है ना. इज इट वर्किंग गाइस? थम्स अप. आप थम्स अप का ही कमेंट कर दो. नेट न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विनय आपके बाल क्यों इतना चमक रहे हैं आज? आज क्या, मेरे तो हमेशा चमकते हैं. आपके बालों का राज क्या है? इतने अच्छे बालों का मतलब ये. अरे तेल वेल ज़्यादा लगाते हो ना? मैं तो नारियल का तेल लगाता हूँ, देसी आदमी एकदम. हर दिन बाल धोने के बाद ही पुट नारियल का तेल. डेली नहीं, दो दिन में एक बार ही मैं शैम्पू करता हूँ. अच्छा शैम्पू के बाद ना. ही डजंट कीप हिज हेयर ड्राई. ड्राई और वेट. ड्राई मतलब कि एज इन के एकदम ड्राई नहीं होने देते ना उनको. ओके कुछ और भी कमेंट आया था. अंकुर खुराना जब पब्स एंड अदर सर्विसेज आर सून गोना हैपन गोना ओपन. WA हैज जीरो केस एंड ब्रिस्बेन टू डिस्पाइट वन नर्स हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम. शी हैज गॉन टू वर्क इवन आफ्टर हैविंग कोरोना. ओ माय गॉड ये न्यूज हमने देखी नर्स की. That is too bad. अगर आपको कोरोना है या कुछ भी आपको इंडिकेशन भी है, it's a punishable offense करना चाहिए ऐसे लोगों को. अगर आपको थोड़ी भी खांसी जुकाम है तो आप बाहर क्यों है तो कर दो कि मुझे है, ताकि दूसरे लोग अपने आप को सेफगार्ड कर सके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाने नहीं चाहिए. इनसेंसिटिव क्योंकि जब पता ही है कि लोग इतना ज्यादा जल्दी से वो हो जाते हैं कैच कर लेते हैं, ऊपर से लोग मर भी रहे हैं इसकी वजह से, तो क्यों बाहर जाना अगर आपको पता है कि आपको है. इंटरनेट हैज लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स बट नेट न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल गूगल पर्सनलाइजेस सर्च रिजल्ट्स. अगर आपको याद हो तो 2015-2016 में एक बहुत बड़ा एक पंगा हुआ नेट न्यूट्रलिटी का, जहाँ पे फेसबुक बोल रहा था कि वो बलून्स के थ्रू मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करेगा फ्रीली सबको. लेकिन सबको मालूम है अगर फेसबुक या कोई भी कॉपरेट होता है और फ्री तो कुछ नहीं होता उनके लिए. तब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो भी कंपनीज या जो भी वेबसाइट्स है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जो भी इंटरनेट पे काम करता है, वो ऑब्वियसली न्यूट्रल नहीं रहता. फिर उस समय जो भी फेसबुक को पैसा देता है वो उसको रीच देते हैं, आउटरीच देते हैं, अदरवाइज नहीं देते. तो वो तो हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी थी, बहुत लोगों ने साइन किए थे, बहुत सारे पिटीशन साइन हुए थे एंड वो होने नहीं दिया था, विच वॉज अ गुड थिंग. अगेन यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि गूगल जो स्क्रीन करता है पर्सनलाइज करने के लिए, ये न्यूट्रलिटी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर आप प्रमोट कर सकते हो अपने अपने वेबसाइट को या सर्च रिजल्ट्स को, अगर आपको गूगल सर्च में ऊपर आना है तो आप गूगल को पैसा दो. वही तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल है कि हाँ जो भी जितने भी एड्स हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, ऑर्गेनिक एड्स ऑर्गेनिक जो रिजल्ट्स होते हैं उसके नीचे आते हैं. तो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली वैन यू से कि पर्सनलाइज सर्चेज, तो वो तो मेरे ख्याल से एक तरीके से आपको और रिफाइंड रिफाइंड सर्च दे रहा है ना. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इंग्लिश, तो यानी कि मुझे शायद इंग्लिश नहीं आती है. लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे कोई और लैंग्वेज आती होगी, हिंदी कन्नड़ा या जो भी है, लेकिन उसमें मेरा जो सर्च हिस्ट्री होगा वो गूगल को बता देगा कि वेदर आई एम प्रोफिशिएंट इन हिंदी तमिल और वॉट. तो बेस्ड ऑन दैट वो उस आर्टिकल को ही सामने दिखाएगा कि दिस गाय ऑलरेडी नोस तमिल, तो तमिल टू हिंदी वाले इसको रिजल्ट दिखाओ या हिंदी टू इंग्लिश वाले रिजल्ट दिखाओ, जो कि क्योंकि हिंदी इसको आती है. तो उस समय मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत और एडवांटेज आपको ही मिलता है. इनफैक्ट कि आपको 10 क्लिक्स कर करके जाके देखना नहीं पड़ता, क्योंकि गूगल बोलता है कि जितने ज्यादा मेरे को नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने हैं यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए. लेकिन अगर आपको इस चीज को लेकर इशू है तो डक गोगो करके एक और सर्च इंजन है, काफी अच्छा है और वो लोग बिल्कुल भी टैप नहीं करते हैं. अच्छा। तो हाँ, या तो आप गूगल में ही इनकॉग्निटो मोड में खोलो तो भी आपको वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सर्च नहीं ट्रैक नहीं कर पाएंगे.
तो देर आर ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ, और इसके डिसएडवांटेजेस इंटरनेट के मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि काफ़ी बुलिंग और ट्रॉल्स होता है। जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं भी ये देखती हूँ। हालांकि हमारे चैनल पे इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, बट काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो हैं जिनका यूट्यूब चैनल मैं देखती हूँ, ये काफ़ी ट्रोलिंग और बुलिंग होती है, जो कि सही नहीं। क्योंकि एक तरीके से ना, यहाँ पे सबको इंटरनेट सबके पास आ गया ना, तो जो लोग पहले मुंह पे इस तरह का जिनका बिहेवियर रहता था, वो अभी किसी एक नेम आईडी के पीछे छुप के हाँ भाई, वो ही अपना एनोनिमसली आप गुस्सा अपने भड़ास निकालते। निकालते हाँ रहते हो। तो हाँ, इंटरनेट ट्रोलिंग तो एक बहुत मेजर इशू है आज के ज़माने में, क्योंकि ह्यूमंस हैव एक्चुअली फॉरगॉटन देयर ह्यूमैनिटी समवेयर। क्योंकि उनको आज लगता है कि मेरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा है तो मैं कुछ भी कुछ बोल भी सकते। बोल सकता हूँ। वो दूसरे आदमी के जो सामने बैठा हुआ है उसकी फीलिंग्स का कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते या उनको केयर ही नहीं करते कि दूसरा आदमी भी और कुछ इंसान लोगों की है। तो नेचर ही ऐसी होती है ना, पहले पर उनका ये था कि फेस दिख जाता था, जैसे कि इंटरनेट नहीं था तो फेस दिख जाता था उनको, फिर वही थोड़ा उनको फेस टू फेस कुछ लोग बोल भी सकते थे या कुछ रिएक्ट कर सकते। अभी ये हो गया है ना, किसी भी आईडी के पीछे छुप के किसी को भी कुछ भी बोल दो, तो उनके पास, उन लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास ऑप्शन भी बहुत सारे आ गए कि अपनी भड़ास निकालते रहो या फिर सबको गंद हाँ गंद तो वही, निकालो। ये साइबर बुलिंग ही तो है एक तरीके से। हाँ साइबर वही। बुलिंग है कि आप किसी को भी अगर चाहो तो गालियाँ देते रहो, आपको फिजिकली तो आपको रिबट नहीं कर पाएगा। तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ को का एडवांटेज लेके बहुत सारे लोग ये सब करते हैं। आरू को भी बुला रहे हैं, आरू को, पर आरू नीचे अपनी दादा दादी के साथ और वो काफी ऊपर। एडवेंचर में इस समय वो मे बी एट द एंड आरू को बुला सकते हैं, बट अभी तो हाँ। नहीं है। तो हमने साइबर बुलिंग की बात कर ली, तो उसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मेनली ये जैसे कि हमारा जो फोकस है या पेशेंस एक तरीके से जो इंटरनेट कम कर रहा है ना, क्योंकि हम लोगों को कितने ज़्यादा ऑप्शंस मिल गए एंटरटेनमेंट के, या क्योंकि दिमाग हमेशा चलता रहता है चलता रहता है, तो एक जगह फोकस नहीं होता क्योंकि इतनी सारे ऑप्शन। अच्छा ये भी देख लो, वो भी देख लो, तो इस टाइप का हो गया ना दिमाग कि हम लोगों का पेशेंस लेवल बहुत, मुझे लगता है इंटरनेट ने अफेक्ट कर रहा है एक वे में ये एक चीज़ ये तो बात हमने एक्चुअली पहले दिन जब हम लोगों का फर्स्ट लाइव स्ट्रीम था उस दिन भी मैंने बोला था कि टिकटॉक। टिकटॉक और यूट्यूब की बात चल रही थी, तो हम बोल रहे थे कि टिकटॉक इतना फ्लरिश क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो रहा है और कम होता चला जा रहा है। क्योंकि एज पर अ स्टडी 2009 2010 में जो हम लोग का टाइम जो एक क्या बोलते हैं फोकस देखने क्या चीज टाइम। अटेंशन स्पैन जो था ना वो था करीब करीब 18 सेकेंड्स, लेकिन आज वो रिड्यूस होके 10 सालों के बाद हाफ हो गया है, 8 सेकेंड रह गए खाली, 8 सेकेंड्स, मेरली 8 सेकेंड्स। तो इसीलिए टिकटॉक पे ऑल्दो 1 मिनट तक के वीडियोस भी डाल सकते हैं, लेकिन उस पर चलते कौन से ज़्यादा वीडियोस हैं जो 15 सेकेंड्स के हो। हमने खुद देखा क्योंकि हमारा टिकटॉक पे चैनल है, तो जो 15 सेकेंड वाले जो वीडियो होते हैं वही हमेशा वायरल होते हैं, मतलब उनपे मिलियन व्यूज आते हैं या फिर ज्यादा व्यूज आते हैं कंपेयर टू 1 मिनट तक के एक वीडियोस, मिनट के क्योंकि वीडियोज तो कभी लोग नहीं रुकना ही होते, नहीं चाहते, देखना क्योंकि ही वो थोड़ी चाहते। बेटर होती है बल्कि इनफैक्ट। हाँ, आप ज़्यादा 1 मिनट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर सकते हैं दूसरे आदमी के ऊपर, लेकिन नहीं, लोगों को चाहिए कि स्क्रॉल करते जाओ कुछ नया चाहिए, हर 5-10 सेकेंड बाद कुछ नया चाहिए। तो जब ऐसा आपका बिहेवियर हो जाता है ना, तो पढ़ाई लिखाई में भी इसका असर पड़ता है या काम के ऊपर भी। आप बार बार वैसे अपना ही पेशेंस फोन वगैरह कमी उठाते हो हो, रहा है बार तो बार इंटर बिहेवियर में भी चेंज आता है, ये कि हमारा पेशेंस भी एक तरीके से कम हो रहा है क्योंकि हर 15 सेकेंड बाद कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा, अपने आप ही चेंज होता रह रहा है, तो और इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं, तो एक तरीके से बिहेवियर काफ़ी अफेक्ट होता है इससे। और ये तो मैं बोलूँगा 2009 2008 2007 के समय जब ब्लैकबेरी हुआ करता था, एक वो द ओनली स्मार्टफोन इन द मार्केट, उस समय भी लोग जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ही लेके घूमते थे, उन लोगों में ये तब से ही देखा जा रहा था वो चीज़ कि उनका फोकस जो है इतना कम हो गया है इस चीज़ को लेके कि हर हर 2 मिनट बाद वो फोन उठा के देखते थे कोई मिला है कि नहीं, या उसमें एक नोटिफिकेशन लाइट आती थी तो उठा उठा के देखेंगे कि लाइट आई कि नहीं, कोई नया मेल आया कि नहीं। तो वो जो आप एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हो ना, आप उसमें फोकस नहीं हो, आपका दिमाग हमेशा वॉन्ड अराउंड कर रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई बहुत है। धीरे धीरे, मतलब ये काफी अफेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ठीक है अगर आप लोग टिकटॉक और यूट्यूब देखते हैं वेरी गुड। हम लोग भी टिकटॉक मतलब यूट्यूब से इनफैक्ट तो काफी नॉलेज गेन करते हैं, काफ़ी कोर्सेज भी हैं यूट्यूब पे, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो भी है मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बुक्स भी रीड करो अभी भी,
क्योंकि उससे जो ये आपका पेशेंस लेवल या ये फोकस कम हो रहा है ना, उससे आपका थोड़ा बढ़ेगा। तो अच्छी बुक्स मैं बोलूँगी कि ज़रूर रीड करो, वो तो काफ़ी फ़ायदा करती हैं हमेशा। मम्मी बोले नेट का टेक्नोलॉजी, नेट ने या टेक्नोलॉजी ने हमारे ब्रेन को सिकुड़ना शुरू कर दिया है, डॉक्टर्स का कहना है। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल नहीं करोगे तो सिकुड़ ही जाएगी। अच्छा, सेलिंग ऑफ डेटा टू अदर कंपनीज फॉर एड्स, डज इंडिया हैज ओन देयर ओन सर्वर फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा ऑफ इट्स सिटीजंस। आई गेस वो जो आधार, आई थिंक आधार के डेटा की बात कर रहे होगे शायद आप। तो आजकल सभी कंट्रीज का ये हो गया है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले अगर मैं बताऊँ तो US प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में कॉल भी किया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन लाना शुरू कर दिया था कि इंडियन स्पेसिफिक या इंडियन कंज्यूमर्स का जो डेटा है, पर्सनल डेटा, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर्स, एड्रेस एंड ऑल दैट, शुड नेवर गो आउट ऑफ द कंट्री। जैसा कि जो ये सेम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, यूरोप में बहुत स्ट्रिंजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा है कि आप ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का जो डेटा है, ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये जब चीज़ इंडिया ने शुरू करी तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का फोन आ गया था कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि उनके फर्म्स को बहुत इशू होने वाले थे। अमेजन हो गया या बहुत सारे, फेसबुक हो गया, खुद का तो वो रखो और हमारा। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि वो कितना डेटा को बेच कर डेटा एनालिटिक्स करके टारगेटेड एड्स करते हैं हम लोगों के ऊपर, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री और उनके ऊपर सीधा क्वेश्चन मार्क आ गया था। तो इसलिए तो वही वाली बात है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में सोच तो रही है, क्योंकि हम लोग 1.3 बिलियन पीपल की बात करें उसमें से एटलीस्ट, मैं बोलूँगा एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, रफ 50% लोग तो होंगे जो इंटरनेट में होंगे, तो उनका डेटा है उसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। और आई गेस आधार का तो डेफिनेटली इन हाउस ही है, इनफैक्ट आधार का जो हेड ऑफिस है वो हमारे पहले वाले घर के पास में ही है, बैंगलोर में हमारे। हाँ, आधार का जो हेड ऑफिस है वो कर्नाटका। मैम आपका टिकटॉक चैनल, मेरा टिकटॉक की दो है, फूडिस्ट बींग है और नेहा सिंह लाइफस्टाइल है, पर मैं अभी इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाई हूँ। फूडिस्ट बींग में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि फूड की जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत, क्योंकि बड़ी वीडियो बनानी पड़ती है यूट्यूब चैनल के लिए, बट टिकटॉक फूड वीडियोस बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो हम लोगों ने फूडिस्ट बींग में तो बहुत रेगुलर है, अगर आप चाहें तो फूडिस्ट बींग चैनल को देख सकते हैं टिकटॉक। अगर आपने कभी भी बाई चांस भी देखा होगा जाके, तो आपको एक स्टार्टलिंग डिफरेंस नजर आएगा टिकटॉक के फूड इज बीइंग चैनल को और यूट्यूब के फूड इज बीइंग चैनल को, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। यूट्यूब काइंड ऑफ विनय तो मतलब बोलेंगे परफेक्शनिस्ट है, तो उनको तो बिल्कुल भी अगर जरा सा भी ऐसा वैसा कंटेंट होगा कभी डालेंगे नहीं। हम लोगों की कितनी सारी फूड की ऐसी वीडियोज हैं जो हमारे लैपटॉप पे रखी हैं, डाली नहीं हम लोगों ने, बिकॉज ही थिंक्स दैट दैट इज नॉट परफेक्ट। पर यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कितने ही खाने की ऐसी वीडियोस चलती रहती हैं, बट टिकटॉक पे हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस डालते हैं। और क्या था, जयशंकर इज सेइंग अ फ्यू थिंग्स, मम्मी बोल रही है हम नॉलेज नहीं इंफॉर्मेशन के पीछे पड़े हैं। हाँ, आई रिमेम्बर अ केस स्टडी फ्रॉम माय क्लास, हाउ ट्रम्प एंड ओबामा यूज इंटरनेट टू विन। हाँ, वो तो है, वो तो सभी को पता है, फेसबुक यूज़ किया था है ना डोनाल्ड ट्रम्प ने। देन आफ्टर आर रिस्पेक्टेड मोदी जी डिड, तो सब लोग यूज करते हैं, मुझे लगता है जिनके पास पैसा है वो तो ये एड्स यूज करते ही हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग से माहौल बना देते हैं एक इस तरीके का कि वो कि हम लोग उनको ही वोट करें। और ये तो आपने तीन में बोले, मैं एक और बताता हूँ, ब्रेग्जिट भी हुआ था, वो इसी वजह से ही हुआ था, सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से इतने सारे टारगेटेड फेसबुक एड्स चलाए गए कि माइग्रेंट्स आ रहे हैं, यूके को बर्बाद कर रहे हैं, तो एग्जिट हो जाओ, यूरोप छोड़ दो। फाइनली क्या हुआ, अभी जाके 2016 में अप्रूव, वो रेफरेंडम हुआ था 2020 के जनवरी या फरवरी में जाके कंप्लीट हुआ, क्योंकि उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं ये उल्टा पड़ गया पासा। बोरिस जॉनसन ही तो थे जो अभी के वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वॉज द वन जिनने पूरा इनिशिएटिव लेके रखा हुआ था। ध्रुव दफ्तारी, धे दफ्तारी हैज जॉइंड, हाई, आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग MBA इन सिनारियो ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, बहुत सही है, हॉस्पिटैलिटी जो होबार्ट आप जा सकते हो, टास्मेनिया, टास्मेनिया का जो उनका स्टेट है
वो काफी ज्यादा इसी चीज को लेकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वहाँ पे काफी अच्छी है, तो आप वहाँ उधर देख सकते हो। अगर आपको कोई अच्छा एमबीए, अगर आपको एमबीए होटल शेयर। के हाँ उसमें ही करना है तो भी आपको काम मिल जाएगा। अगर एमबीए, अगर जेनरिक फाइनेंस फाइनेंस में जाना है तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो हॉस्पिटैलिटी अगर इंडस्ट्री में आपको रहना है तो आप टास्मेनिया स्टेट में देख लो, होबार्ट सिटी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है इस चीज़ को लेके, ऑस्ट्रेलिया की। अंकुर खुराना इज सेइंग वन इशू विद इंटरनेट इज अब्स्ट्रैक्शन, कॉमन पीपल एस्पेशली एल्डरली डोंट नो व्हाट इज सिक्योर। यही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले थे कि जो हैकिंग होती है या वायरसेस या साइबर क्राइम होता है, जैसे कि पैसा सिक्योरिटी वाइज ये कितना बड़ा डिसएडवांटेजेस है कितने लोगों को। जो आपने सही कहा कि एल्डरली लोग हैं उनको ठीक से वायरस एंटीवायरस या हैकिंग सेव करना नहीं आता अपना जो सिस्टम है, तो वो लोग काफी इसके उसमें आ जाते हैं और थोड़ा सा पैसे। लर्निंग कर्व तो है इंटरनेट को यूज करने के लिए। अब आप सोच लो कि जो लोग ने कभी रेडियो देखा था उसका टीवी पे आए, अब वो इंटरनेट पे आ गए हैं, लेकिन उनको आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतनी नॉलेज तो नहीं होगी जो हमारी, स्पेशली जो एल्डरली जो पीपल है हमारे 50-55+ वालों को मैं पकड़ के चलूँ। अगर सबका तो मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ द चंक है जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं इंटरनेट को लेके। तो आज भी अगर इंटरनेट पे कोई कोई वीडियो देख लेते उनको लगता है कि ये सच है, अगर उस बंदे ने बोला इंटरनेट पे बोला यानी सच है। उनको ये नहीं पता कि आज इंटरनेट पे आपके पास फोन है, आप कुछ भी बोल सकते हो। बोल सकते हो। और तो वो एक एक डिसएडवांटेज भी है इंटरनेट का कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और फेक न्यूज़ या रूमर्स तो ऐसे ही फैलते हैं। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा खेल ये भी है, और इस चीज़ को लेके फेक न्यूज़ को लेके बहुत सारे आर्टिफिशियल AI इंजिन भी बनाए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इम्प्लीमेंट किया जा रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को फेक न्यूज़ को कर्ब करना है यानी रिड्यूस करना है। और जो आपने बताया कि सेफ नहीं है, फेक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये सब बहुत हो रहे हैं। हम लोगों ने तो नेटफ्लिक्स पे वो एक कौन सी जमता रहा है, वो सीरीज है कौन सी, जिसमें कि उन लोगों को फोन पे कॉल ये कर लिया कि रियलिटी पे इतना, बेस्ड है हाँ एक्चुअली, झारखंड में कहीं पे तो था ना वो रियल में गांव, हुआ है ऐसा कि कुछ लोगों इतना ने बड़ा फ्रॉड किया उन लोगों ने। और वो किन लोगों को करते थे, वो कॉल उन्हीं लोगों को स्पेशली वो करते थे, देखते थे कि हाँ ऐसी डेमोग्राफिक को चूज करते थे जो एल्डरली है या तो फिर कम पढ़ी लिखी है या इस टाइप के लोग हैं जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। सडनली कोई आपको कॉल करता है तो आपको OTP उसमें मांगते हैं आपसे कि आपके फोन में भी एक OTP आया हमें बता दो, तो इस टाइप की CVV, चीज क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेंगे, CVV मांगेंगे, आप दे लोगों दोगे को तो पता क्या नहीं है कि होगा। देना नहीं होता है या ऐसे किसी पे OTP पे ऐसे विश्वास नहीं करना, तो कर लिया और काफी सारे पैसे उन लोगों ने इस तरीके से लूट लिए थे। और वैसे भी हैकिंग वगैरह तो काफी लोग कर ही लेते हैं क्योंकि सारा जो इंटरनेट अगर एक ही उस पर चलता है ना, तो हैकिंग वगैरह भी कर लेते हैं, चीटिंग, हैकिंग, वायरसेस। तो इंटरनेट का एक ये भी डिसएडवांटेज है कि IoT की जो मैं इतनी बढ़ाइयाँ कर रहा था वो भी है। IoT अभी आप टेस्ला देखते हो, टेस्ला जो कार है उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार भी चलाते हैं ऑटो टेस्ला वाले, जो कि अपने आप चल रही है, सारा AI इंजन ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसी कार को कोई हैक कर लेता है, उसके अंदर कोई VVIP बैठा हुआ है, कोई बहुत ही VVIP नहीं भी बैठा है मान लो, लेकिन अगर कोई कॉमन आदमी है तो हैकिंग करके इतना कोई फायदा भी नहीं है। मान लो कोई VVIP बैठा और सेल्फ ड्राइविंग कार है और उसको किसी हैकर ने कहीं कहीं पे रिमोटली हैक बैठ कर गए। लिया हाँ और उसके एक्सीडेंट करा दिया, तो मतलब मर्डर करना कितना आसान हो जाएगा। बस आपको हैकिंग आनी चाहिए ठीक से। तो वो भी है, तो जैसे जैसे हैकिंग बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स को भी बढ़ाया जा रहा बढ़ाया जा है रहा है। और एथिकल हैकिंग को भी बढ़ाया जा रहा है कि हैकर्स हैं लेकिन एथिकल हैं, तो ऐसा कुछ लीक हो सके डेटा या कोई ब्रीच हो सके उससे पहले ही एथिकल हैकर्स हैं जो खुद ही कंपनीज को बता देते हैं कि यहाँ पे एक लूप होल है, आप उसको सिक्योरिटी पैच के थ्रू ठीक कर दो। और ये जैसे लोग ये तो है ये कि ये सब हैकिंग वगैरह होती है, पर और ये डीप वेब में तो बहुत कुछ होता है। डीप वेब मतलब जो हम लोग एक्चुअल जो वेब यूज करते हैं वो तो बहुत ऊपर ऊपर है, एक्चुअल डीप वेब में तो सब कुछ वो होता काफी है। परसेंटेज है ना उसका। हाँ आई गेस 90-95% है, अब इतना एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, बट समवेयर लाइक दैट कि डीप वेब में सब कुछ होता है, सारी एलिसिट एक्टिविटीज होती है, तो कभी गलती से भी हमें वो तो वहाँ जाना नहीं जाना चाहिए। नहीं चाहिए। और ये भी है कि काफी जैसे मेरा बेटा है तो मुझे भी अभी थोड़ा चिंता है कि वो थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होएगा तो इंटरनेट पे जैसे सब कुछ अवेलेबल है तो कुछ ऐसा कुछ भी देख सकते हैं ना, जैसे कि उस चीज की मुझे चिंता रहती है कि इनअप्रोप्रिएट या काफी सारी टाइप की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो उस चीज का भी अभी मुझे धीरे धीरे डर होने लगा कि उसका हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि एक्सपोज हो जाते हैं ऐसी चीजों से बच्चे या फिर कोई भी जो अप्रोप्रिएट नहीं है उन लोगों के लिए। राइट
हाँ तो इसके लिए वो तो फिर पेरेंटल गाइडेंस की इम्पोर्टेंस आ जाती है कि आप जैसे यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी यूट्यूब किड्स करके एक अलग ऐप उन्होंने बनाया हुआ है हाँ जो सिर्फ बच्चों के लिए है। आप वो वाला खोल के दो, नॉर्मल यूट्यूब मत वही, दो मतलब बच्चों पूरा को। हमें एक एक तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, और ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है कि क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है तो कुछ भी सामने आ सकता है एक तरीके से। फिशिंग, ओके, जयशंकर सिंह, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। यस, फिशिंग का मतलब वही होता है, आपको कोई ईमेल आया है, कुछ भी आया है, उसमें कोई लिंक हो गया, आपने क्लिक किया, आपका मेलिशियस मैलवेयर है आपके फ़ोन में आ गया, आपके लैपटॉप में आ गया, उसके बाद वो धीरे धीरे आपको आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट करता रहता है, जिस भी हैकर ने बनाया होता है उसको भेज देता है। हाँ तो ये कुछ चीज़ें हैं, जयशंकर ने बोले कि HTTPS होना चाहिए, एस लास्ट में रहता है यानी कि वो इनक्रिप्टेड सिक्योर। है, SSL सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको, SSL सर्टिफिकेट मिला रहता है तो थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड होता है, पर ऑल दो दैट इज ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ, बट या दैट इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली बेटर देन नॉट हैविंग इट। बबीता देवी, बबीता बुआ जी का नाम भी है। हाँ व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इंटरनेट फाउंडेशन? तो इंटरनेट फाउंडेशन तो एक काइंड ऑफ इन्वेंशन ही था कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है इनिशियली जब इंटरनेट स्टार्ट वो हुआ था जयशंकर ने लिखा है, वो मिलिट्री उसके लिए यूएसए ने किया था 1969 में, आई थिंक आया था। फर्स्ट इंटरनेट, हाँ हाँ वो मुझे लग, इंट्रानेट था एक मैं तरीके से, जो खाली विकिपीडिया क्या होता था पहले, जो विकिपीडिया से भी पहले इंसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, हाँ इंफॉर्मेशन के लिए भी हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी। तो ऐसे इंटरनेट का आई थिंक इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए स्टार्ट हुआ था, बट अभी तो इंटरनेट हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर एवरीथिंग। दुनिया दूरियां बढ़ भी गई हैं, परिवार के लोग एक ही रूम में बैठे हुए अपने फोन में बिजी रहते हैं। तो ये तो एग्जैक्टली होता है हर घर में ये आजकल तो शायद हमारे घर में भी हो रहा होगा क्योंकि आजकल। हम लोग 4 लोग बैठे रहते हैं और हम लोग सब अपने फोनों में चेक कर रहे होते हैं। मम्मी डैडी अपने में, मैं विनय और सब लोग अपने, मिनी अपने में, तो हम लोगों के साथ भी होता है। लेकिन कॉन्शियसली हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो, थोड़ा मतलब आपस में बातचीत बनी रहे, लेकिन हाँ ये हो रहा है कि हम लोग डिजिटली तो पास में आ रहे हैं, फिजिकली अपार्ट हो रहे हैं। तो जो इसका एडवांटेज है कि कनेक्टिविटी है, दूरियां कम हो रही हैं, एक तरीके से दूरियां बढ़ भी रही हैं। हाँ इस वजह से क्या बोलते हैं, इतना डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं क्योंकि एक वो लोनलीनेस सी आ गई है। उनके फेसबुक पे आप जाके देखोगे तो 1,000 फ्रेंड्स होते हैं, रियल लाइफ में एक फ्रेंड भी नहीं होता है, हाँ वो तो होता है। वो बंद कमरे में रहते हैं और बस डिजिटली जितना भी होता है अपना इंटरेक्शन करते हैं और बस। उसके बाद आपको एक फिजिकल ह्यूमन टच चाहिए होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, क्या बोलते हैं, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट। लेकिन हाँ थोड़ा कोरोना की वजह से अभी थोड़ा अभी फिलोसफी को चेंज करने की ज़रूरत आ गई है, पर जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है कि हम लोग एक ह्यूमन टच चाहिए होता है, आमने सामने बैठ के बात करो तो अच्छा लगता उस है। वो उससे डिप्रेशन आता है लोगों में कि वैसे फिजिकली आपसे कोई बात करने के लिए नहीं, पर हाँ इंटरनेट पे आपके। तो इससे एक और चीज़ मुझे याद आई कि काफ़ी लोगों का वैसे भी माइंड ना कंपैरिजन जैसे करते हैं ना, कि अगर मैं इंस्टा पे लोगों की फोटोज़ देखती हूँ या फिर फेसबुक पे, तो कंपैरिजन करते हैं और उसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है मुझे लगता है। वो तो एक इंस्टा लाइफ अलग ही होती है, घर में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, ऐसे उनसे ज़्यादा मतलब सुखद परिवार कोई नहीं है। तो तो इसलिए मैंने कोई डालते ही हाँ नहीं इसलिए मैं तो नहीं डालता हूँ ऐसे, मैं मुझे वो पसंद भी नहीं कि इतना ज़्यादा जताओ, क्योंकि रियल लाइफ में, अगर रियल लाइफ में तो हम कर ही रहे हैं, हमको ज़रूरी है कि पड़ोसी को भी पता चले कि हम लोग कितने खुश हैं आपस में। नहीं वैसे भी जैसे लेकिन काफी लोग ट्रैवलिंग की भी डालते हाँ तो रहते हैं वही कहाँ कहाँ लोगों के की, दिमाग में होता है कि उसको देखो यार वो तो वहां जा रहा है, यहाँ तो जा रहा है, वो क्या हाँ लाइफ जी रहे तो हैं। दूसरे लोग जो नहीं जा पा रहे उन लोगों को डिप्रेशन होता है। तो काफी लोगों का माइंड मुझे लगता है ये डिसएडवांटेज के इफेक्ट हो जाता है दूसरों की लाइफ देखने से, क्योंकि इतनी लोग फ्रेंड्स वगैरह सब लोग डाल रहे हैं और फिर अगर खुद वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो होता है, उससे भी एक तरीके से डिप्रेशन आता है। अपेंडेंट फॉर मी, अच्छा दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स फिश। मूवी देखेंगे, कियानो रीव्स की पार्ट 3, वो मैट्रिक्स एवोल्यूशन एंड रीलोडेड। एक्चुअली मैंने मैट्रिक्स के देखी नहीं है आज तक, मैं मेरे को देखते हैं तीनों पार्ट। मैंने देखना स्टार्ट किया था बट सर के ऊपर से गई टाइप्स हो गया था मेरे मैट्रिक्स क्या हो रहा है उसमें समझ नहीं आ रहा था मुझे। अनदर चैलेंज द राइट बैलेंस बिटवीन डिजिटल एंड रियल वर्ल्ड। इन माई स्कूल आई रिमेंबर बींग आस्क टू कलेक्ट रियल फेदर्स एंड लीव्स। नाउ आर चिल्ड्रन आर गोइंग डूइंग दैट वर्चुअली। अच्छा अंकुर खुराना ने बोला राइट।
वो तो भी वो है। है कि हाँ इससे ना एक हेल्थ का भी हम लोग सोच बोल रहे थे ना कि डिसएडवांटेज होता है ओबेसिटी और हेल्थ। ओबेसिटी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो रही है, आपकी उंगलियां चल रही है खाली, उस हाँ वो भी आजकल इंजरी है आजकल, उसके लिए भी अगर ज्यादा माउस क्लिक करते हो तो भी उसके लिए एक कोई तो मेडिकल टर्म है, वो मुझे याद नहीं क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर नीदर आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसी तो कुछ हेल्थ है। आप लोगों की मतलब हम लोगों की काफी इफेक्टिव थी। आजकल के बच्चे जो हैं वीडियो गेम्स और ये यूट्यूब या जैसे इंटरनेट पे गेम्स, यूट्यूब पे कार्टून, तो इनसे बहुत एक तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। बाहर जो जैसे हम लोग खेलते थे, हम लोग तो पूरे टाइम बाहर ही रहते थे, आउटडोर्स में खेलते थे, तो अगर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आपका पॉस्चर जो होता है हेल्थ को आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो वो जो बाहर जाने की बाहर जाते थे उस तो नहीं जाते और घर पे रहते, तो उसकी वजह से हेल्थ वगैरह इन सब चीज़ों को बहुत इफेक्ट होता है। इनफैक्ट ऑनलाइन गेमिंग तो इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन के आई है कि आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं मैं बोलूँगा, क्योंकि बच्चे मैच्योर्ड भी जो भी है मैच्योर्ड भी चार चार अभी। घंटे छः छः घंटे अच्छा खेल रहे हैं, एडिक्शन की वजह से खेलते चले जा रहे हैं, हाँ तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक ही जगह बैठे हो आपका पॉस्चर खराब हो जाएगा, आप फिजिकली कोई ओबीज एक्टिविटी हो नहीं कर रहे जाएंगे हो तो और मेंटली आप इतना ज़्यादा रिगर हो जाता है ना आपके दिमाग जैसे में ब्लू व्हेल्स गेम था। तो रेज आते हैं। हाँ ब्लू व्हेल तो एक अलग ही केस है, वो तो डार्क वेब से मैं बोलूँगा कि कनेक्टेड है, यहाँ पे लोगों को सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है, मतलब इतना इतना ज़्यादा अफेक्ट कर हिप्नोटाइज कर रहे हैं दिया वो उस लोग। गेम ने। पर ये भी मैं एक बच्चे वाला भी तो पोकेमोन कौन सा ऐसे लोग खेलते हैं। हाँ वो पोकेमोन गो आई थिंक, जो कि सड़कों पे लोग वर्चुअल अपने वो पोकेमोन्स कलेक्ट करने के लिए घूम वो रहे हैं हमने सड़कों के मेलबर्न में ऊपर, बहुत ज्यादा देखा है, पार्क में लोग एक साथ बहुत ग्रुप खेल रहा होगा। लेकिन एटलीस्ट वहां पे है कि पार्क में हो रहे हैं। पहले अब वो जब नया बोल नया दिया आया था, था अब बोल तब दिया तो है। लोग मेन रोड पे सड़कों पे फ्लैट फुटपाथ पे हर जगह कर रहे थे, उससे उनकी नजर खाली स्क्रीन के ऊपर है, सामने गाड़ी आ रोड रही है वो भी नहीं दिख रही हाँ उनको, तो हाँ कितना ज्यादा उनकी खुद की हेल्थ एंड सेफ्टी यहाँ पे कितनी ज्यादा क्या बोलते हैं अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट हो रही है। यस I remember पीएस myself when I was a kid, always gave me वो headache तो when I play for 10 hours when my father ergonomics इट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, क्या होता है की बात चल रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ergonomics? पता नहीं। ओके और जयशंकर ने बोला कि PS for GTA he used to play for 10 hours। ओह गॉड ओके होपफुली जयशंकर नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को तो कभी आदत नहीं पड़ी है गेम्स की। मैं तो कभी, नहीं मुझे एक्चुअली पसंद, मैं भी बहुत खेलता था, ऐसी बात नहीं आप है। खेलते थे बट मैंने कभी इंटरनेट पे गेम्स नहीं खेले। आई थिंक मैं क्या खेलती थी, वो जो ऐसे जंप मरवाते थे क्या, पता नहीं आई थिंक मारियो मारियो। मारियो खेलती थी मैं। और मारियो के बाद मैंने कोई भी इंटरनेट पे गेम्स नहीं खेले। फ़ोन पे मैंने शायद एक वो क्रिस्टल्स वाला होता है ना, कलर वाला, वो कैंडी क्रश। कैंडी क्रश, वो खेला था। पर वो भी मैं एकदम कभी एडिक्ट नहीं हुई, क्योंकि मैं स्टिल मैं बोलूँगी अपने आप को मैं आउट गोइंग पर्सन हूँ। क्योंकि मुझे अभी जैसे मेरे को ये लॉकडाउन काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, मेरे को बाहर जाने की बहुत आदत है। शॉपिंग भी मुझे ऑनलाइन पसंद नहीं है, शॉप्स में जाके चीज़ें हाथ से टच करके यही मुझे पसंद है अभी भी। और वैसे भी मुझे लोगों से फिजिकली मिलके या बाहर जाके मुझे हर चीज़ करना पसंद है। तो मैं तो इतना इंटरनेट पे ये सब चीज़ें नहीं कि गेम्स खेलो ये सब। आप तो आपने खेले आपने तो बहुत पीएस हो रही सब। ओके मूविंग ऑन। हाँ, तो हेल्थ को तो अफेक्ट कर ही रहा है ये, और काफ़ी हेल्थ और ओबेसिटी इससे आ रही है। तो अगर नेगेटिव हो गए तो कुछ पॉजिटिव बात करनी है फिर से कि अभी डन विद द टॉपिक। पॉजिटिव्स तो हमने पहले इनिशियली बात की है कि पॉजिटिव्स, मोर देन 250 पीपल हैव डाइड वर्ल्ड वाइड। टेकिंग सेल्फीज। हाँ अब एग्जैक्टली सेल्फीज को डायरेक्टली अगर मैं इंटरनेट से जोड़ना चाहूँ तो हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे डालना है उनको स्पेशल पोजेस, अदरवाइज तो वो फूलिशनेस है जो कि लोग कर रहे हैं, शेर के साथ खिंचवा रहे हैं, क्लिफ पे जाके सेल्फीज खींच रहे हैं। स्पेशली मैंने सुना था रशिया में बहुत ज़्यादा लोग मरते थे इस चीज़ को लेके, सेल्फीज को अच्छा खिंचवाते हुए, इसलिए कई सारी कंट्रीज में तो सेल्फी स्टिक भी बैंड है। हाँ, ओम जी मारियो इज वेरी ओल्ड गेम एंड कंप्यूटर साइंस टीचर टोल्ड मी टू डू सम बेसिक
बेसिक ओल्ड प्रोग्रामिंग इन क्लास 3 और 4, आई कांट रिमेम्बर। हाँ मारियो बहुत पुराना गेम है, मैंने बस वही खेला है मुझे जो पर निंटेंडो तो आज भी उसके ऊपर ही चल रहा है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो आज मिलेनियल्स हैं, वो लोग आज भी बहुत सारे हैं जो कि नॉस्टैल्जिया के लिए मारियो खेलना पसंद करते हैं। तो निंटेंडो का जो हैंडहेल्ड डिवाइस आता है निंटेंडो के या वी के जो जो गेमिंग कंसोल आते हैं उनमें मैं देखता हूँ आज भी लोग मारियो खेल रहे होते हैं, लोगों को पसंद है, या एम्युलेटर्स भी खेलते हैं अगर आपको पता हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आई थिंक हम लोगों ने काफी बात करी है। और फ्रेंड्स आप लोगों को और कोई कुछ बोलना, इंटरनेट और उन लोगों ने तो आई थिंक काफ़ी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बोल दिया है, अगर आपको अभी कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, हम आपको पूरा मौका देते हैं। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है कि आई कैन सी ओनली 19 पीपल हैव लाइक्ड एंड आज तो मुझे लगता है काफ़ी, मुझे लगता है लोगों की आदत हट गई है तो काफ़ी कम लोग भी ज्वाइन हुए हैं मुझे लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं चल रहा है कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ हमें ठीक से दिख भी नहीं रहा एक्चुअली, पता नहीं आज पता नहीं चल रहा है, वो आई थिंक ओनली 4 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, आई गेस। सो तो अगर किसी को और कुछ नहीं बोलना है तो लेट अस वाइंड अप टुडे, और आरू आई थिंक अभी नीचे है तो कल हम लोग ट्राई करेंगे, कल आरू को हम लोग लेटर पार्ट में जब हमको वो खत्म करना होगा एकदम होगा उस समय। एडवांटेजेस अंकुर खुराना बोल रहे हैं कि एडवांटेजेस CSR हैज फाउंड ग्रेट प्लेस इन इंटरनेट वर्ल्ड, ओवरऑल डोनेशंस एंड फंडिंग टू पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू इंटरनेट, दैट इज वो तो हम लोगों ने इनिशियली इस सब बारे में बात करी थी, शायद आपने उस समय ज्वाइन नहीं किया था, हम लोगों ने बताया था कि डोनेशंस जैसे अभी हुई है कोरोना वायरस के वक्त, क्राउड फंडिंग वो सारे चीज़ों के बारे में बात करी थी कि कैसे हमारी लाइफ को इंटरनेट ने चेंज कर दिया इन अ गुड वे। प्रेरणा जसवाल पूछ रही है व्हाट इमरजेंसी यू हैड, सो एक्चुअली मेरे मामा जी के का थोड़ा वो हो गया था तो इस वजह से हमने कहा कि कुछ दिन हम नहीं करेंगे, और कल वाली वीडियो भी एक्चुअली जो कल पड़ गई वो हमने हटाने भूल गए, वो पहले से ही वो शेड्यूल थी तो इस वजह से वो कल चली गई, क्योंकि हमने सोचा था कि अभी नहीं करेंगे और हम लोगों ने इसलिए इसके बारे में बात भी नहीं किया क्योंकि फिर वो मूड एकदम हो जाएगा कि थोड़ा पॉजिटिव, सडनली वो न्यूज़ आ गया था तो इसलिए हमने उस दिन मैंने वो हम लोगों ने वो डाल दिया था पोस्ट की लेट अस टेक लाइक ब्रेक फॉर 3-4 डेज, और क्योंकि हम लोग का चैलेंज था 30 डेज के लिए इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले तो हम लोगों ने लाइव किया भी नहीं था कभी, तो अभी इस समय हम लोग कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकन दिस एज अ चैलेंज, वो चैलेंज भी एक तरीके देखा जाए टूट ही गया और स्टिल वी वुड से कि पीपल कैन गिव अस लीवे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, हम लोगों ने जान के तो नहीं किया था पर अभी यहाँ से देखते हैं हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे इतना मैं हम लोग प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डेज या फिर करें है ना, अल्टरनेट डेज या फिर एटलीस्ट अभी 7 डेज करें, बिकॉज़ इट फील्स लाइक यू शुड आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अप देयर, आई लाइक ट्रंप वेयर ही सेज ओनली स्किल्ड लैड्स आर वेलकम इन हिज कंट्री ब्रेन ड्रेन। हाँ तो वो तो अभी तो एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको जो वीज़ा भी मिलता है वो स्किल लेबर वीज़ा ही होता है, मोस्टली हर कंट्री में वही होता है, अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो ही आपको वीज़ा देते हैं वो लोग, नहीं तो मिलता भी नहीं है वीज़ा। तो ब्रेन ड्रेन तो है ही, लेकिन अगर वही अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिल जाए तो आई थिंक लोग ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि हम लोग यहीं रह के कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को एंड इंडियन सिस्टम को, और ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ रहेंगे सब बातें हैं, तो नॉट जस्ट ट्रंप तो आउटराइट बोल देते हैं लेकिन बट हर जगह आप देखोगे तो वही चल रहा है, अगर आपके पास कोई एक बीस के लिए तो आप लोगों को आपको लेने के लिए लोग तैयार होंगे। इट गॉट स्टक, आई गेस इट हैज स्टार्टेड वर्किंग नाउ थैंक्स टू इंटरनेट, शिखा बोल रही थैंक्स टू इंटरनेट एज वी कैन एबल टू हियर सच इंफॉर्मेटिव talks from you both, thank you shikha I think abhi kaam kar raha hai aur we'll wind it up, to friends jaise hum logo ne aaj baat ki hai ki internet ke advantages and disadvantages, bahut sahi baat Jay Shankar ne boli thi initially
कि इट्स अपॉन यू कि आप कैसे इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ये टोटली आप पे डिपेंड होता है कि आपको ये कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो आप लोगों को अपने आप को इतना बोलते हैं ना कि माइंड क्लियर या वो होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए किस चीज़ से, राइट। कोई भी चीज़ हो, इवन अगर आप देखो कार है हमारे पास आज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है, आपको कहीं पे भी जाना है आप कार से जा सकते हो, लेकिन उसी कार को आप अगर 100-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ाओगे तो वो एक मौत का साधन बन जाएगा आपके लिए। तो वो जो कार तो कार ही है, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है वो आपके लिए अच्छी है कि ख़राब है। सड़क वो भी बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, तो वो भी कि आप हर चीज को लिमिट में यूज करो। एक और मैं एग्जांपल दूंगा इस चीज का, जब नोएडा आगरा और आगरा दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे बना था यमुना एक्सप्रेसवे, तो वो बनाया गया था कि आप आराम से दिल्ली से आगरा पहुंच सकते हो 2 या 3 घंटे में और कोई भी इधर उधर कोई आएगा नहीं, आप सीधा चले जाओ, बीच में एक दो टोल्स हैं, लेकिन जो डिस्टेंस था उतना ही है लेकिन टाइम ड्रास्टिकली कम हो गया था। लोगों ने उसका कितना मिसयूज किया, जो बड़े बड़े सुपर बाइक चलाने वाले थे वो लोग रात को निकलते थे, 1 घंटे में उनको आगरा पहुंचना है और 200-200 की स्पीड में चला रहे हैं। अब मैं ये तो ब्लेम नहीं कर सकते कि वो यमुना एक्सप्रेस वे खराब है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं क्योंकि वो लोग माइंडलेस हैं। लोग वही तो वो लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे और जहाँ पे उनको 80 की स्पीड लिमिट दी गई वहाँ आप 200 पे चलाओगे तो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन। तो इसमें भी सेम चीज मैं बोलूंगा, जो यमुना एक्सप्रेस वे हाई का जो रोड है वो इट इज समथिंग सिमिलर टू और एनालॉगस टू इंटरनेट। इंटरनेट को आप एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, इंटरनेट को आप डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग बाय बोलते हैं। आई होप आज हम लोगों ने ज्यादा बोर ना किया और कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल आप यहाँ से लेके जा रहे हो, कुछ एटलीस्ट आपको कुछ सोचने को मजबूर कर दे हमारी बातें, इतना ही चाहते हैं कि क्योंकि अगर हम लोग आप लोगों का टाइम ले रहे हो तो हम जैसे लाइव तो लोग ऐसी बात भी करते हैं ना कि कैसा चल रहा है, हाय बात करते हैं। अवेयरनेस मेरे ख्याल से हमारे तो कुछ और ही, हमारा जो फंडा है वो अलग ही है क्या। तो जैसे हम लोग बोल रहे थे इंटरनेट के बारे में, अगेन सॉरी टू डिस्टर्ब यू जैसे हम बोल रहे थे कि इंटरनेट को हम कैसे यूज करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से हम पॉजिटिवली एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं एक तरीके से। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक आदमी के भी नजरिए मैं चेंज कर पाया इन अ गुड वे और आपने जाके 4 आदमी को वो बात बताई, अवेयर किया उस चीज़ को लेके जो इतना पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो गया। तो एज अ मीडियम मैं इंटरनेट को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये मतलब तो ज़्यादा कुछ बोलने की बजाय मैंने बता दी कि हम लोग किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं या करना चाहिए। तो दिस इज आवर वे ऑफ डूइंग इट, ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन रादर देन स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन एंड रूमर्स। ओके गाइस बाय तो बोल दो आप, मुझे ये स्टक क्यों हो गया क्या पता नहीं, आज अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गाइस अगर आप क्योंकि अभी हम लोग बाय बोलो तो एटलीस्ट बाय बोलो। चलिए फिर कल मिलते हैं और कल का जो टॉपिक है वो आज ही हम शाम को शेयर कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता तो प्लीज आप कल एक बार हमारे प्रोफाइल पे जाके चेक करना, आपको कम्युनिटी पोस्ट मिलेगा और उससे क्या होगा ना, आपको भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने का थोड़ा या टाइम मिल जाएगा, आप भी अपना पर्सपेक्टिव बना के आ सकते हैं, शाम को 6 बजे हमसे बात कर सकते हैं, आप अपना जो भी आपकी बातें हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो क्या है आपको भी थोड़ा हम टाइम दे पाएंगे। और जाते जाते फ्रेंड्स जो भी लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और जिन लोगों ने भी न्यू आज ज्वाइन किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये जयशंकर ने क्या लिखा, वीवा ला एडवर्ड स्नोडन, मुझे भी नहीं समझ आया, आई थिंक जयशंकर को ही समझाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, चाओ, ईट हेल्दी, लिव वेल एंड बी हैप्पी। हां और मेरी वीडियोस चेकआउट करना, वो जो साड़ी मैंने कलेक्शंस डाला ठीक है। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना जो साड़ी कलेक्शन की मैंने डाली है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाय।